आईआईटी जैम के लिए मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो रहेगी जो आईआईटी जैम की प्रिपरेशन हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम रियल एनालिसिस लेके चलेंगे और रियल एनालिसिस के साथ मैं इंटीग्रल कैलकुलस भी लेके चलूंगी। तो आपको दोनों सब्जेक्ट साइड बाय साइड करवाऊंगी, रोज एक वीडियो अपलोड करूंगी और वो आपको देखनी है रेगुलरली। और वर्कशीट भी मिलेगी, जैसे ही मैं आप पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगी उसके बाद आपको वर्कशीट दूंगी, वो वर्कशीट आपको करनी है। उसके बाद उसके सॉल्यूशन भी मैं वीडियो के फॉर्म में आपकी प्लेलिस्ट में डाल दूंगी आईआईटी जैम की। तो हम स्टार्ट करते हैं आज से। अब हमारा टॉपिक है सेट थ्योरी, पढ़ेंगे सबसे पहले हम। तो सेट की डेफिनेशन क्या होती है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब इसमें जो मेन वर्ड्स हैं जो हमें देखना है कि इनका मतलब क्या है। जब भी कोई डेफिनेशन दी जाती है तो उसका कोई मतलब होता है, ठीक है। तो इसमें जो मेन वर्ड्स हैं जो जिनकी हमें आगे जिन्हें और अच्छे से समझना पड़ेगा वो कौन कौन से हैं? देखो, एक है वेल डिफाइंड, कि वेल डिफाइंड से हमारा क्या मतलब है, ठीक है। दूसरा है कलेक्शन, कलेक्शन से हमारा क्या मतलब है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट्स, तीन वर्ड्स हैं और हम तीनों का अलग अलग मतलब देखेंगे। पहला है वेल डिफाइंड, दूसरा है कलेक्शंस, तीसरा है ऑब्जेक्ट। तो अब ऑब्जर्वेशंस में हम ये तीनों वर्ड्स को लेंगे और इनका मतलब देखेंगे। फर्स्ट हमारी ऑब्जर्वेशन रहेगी वेल डिफाइंड वर्ड्स के लिए, कि वेल डिफाइंड का यहाँ पे क्यों मीनिंग, क्या मीनिंग है। हमने सेट वर्ड में वेल डिफाइंड यूज ही क्यों किया। बाय वेल डिफाइंड वी मीन दैट देयर इज नो एम्बिग्यूटी देखो वेल डिफाइंड से क्या मतलब है। वेल डिफाइंड का मतलब वी मीन दैट देयर इज नो एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कंफ्यूजन अबाउट इंक्लूजन, इंक्लूजन मतलब होता है अंदर, एंड एक्सक्लूजन मतलब बाहर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है कि वेल डिफाइंड से मतलब है कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए हमें कि कौन सा ऑब्जेक्ट हम लेंगे और कौन सा ऑब्जेक्ट हम नहीं लेंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई यंग पर्सन की कलेक्शन करो, जितने भी यंग पर्सन हैं इंडिया में उन सभी की कलेक्शन करो, और आप उस कलेक्शन में राहुल गांधी को कंसीडर करो, और मैं कहूं नहीं राहुल गांधी तो यंग है ही नहीं, वो कैसे यंग है, वो तो 50-45 का है, और मैं कहूं कि सचिन तेंदुलकर यंग है, आप कहोगे सचिन तेंदुलकर भी यंग नहीं है। तो आप, मैं कहूं मोदी यंग है, ठीक है, तो आप पूछोगे क्यों है यंग मोदी, अभी भी पीएम है, वो प्राइम मिनिस्टर है, वर्किंग है तो यंग है। और आप कहोगे ऐसे तो फिर सचिन तेंदुलकर नहीं है, वो वर्किंग है ही नहीं, उसने तो संन्यास ले लिया। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग यंग की डेफिनेशन अलग होगी, मेरे अकॉर्डिंग यंग की डेफिनेशन अलग होगी। जो डिफर करे, हर चीज में जो डिफर करे उसको हम वेल डिफाइंड नहीं कहते। वेल डिफाइंड तब कहेंगे हम जब हमें पता होगा कि ये चीज आएगी और ये चीज नहीं आएगी, जब आपके लिए भी वो चीज सेम हो और मेरे लिए भी सेम हो। जैसे अभी मैं बोलूं कि जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है उसकी एज अकॉर्डिंग टू मी 18 से 24 जिन बच्चों की एज है और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका कलेक्शन करो, तो वो आपको पता है कि जिनकी एज 18 से 24 होगी और जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उसका कलेक्शन करना है। तो इसका मतलब वो वेल डिफाइंड है, कि हमें पता है, वो डिफर नहीं होगी कि आपके लिए अलग हो जाएगा, मेरे लिए अलग हो जाएगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि बाय वेल डिफाइंड वी मीन दैट देयर इज नो कन्फ्यूजन। एम्बिग्यूटी समझ नहीं आ रहा तो कन्फ्यूजन लिख लो, कन्फ्यूजन अबाउट इंक्लूजन, कि क्या चीज आएगी और क्या चीज नहीं आएगी। एक्सक्लूजन मतलब नहीं आएगी, बाहर निकाली जाएगी, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं सेट में, तो कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए हमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट वर्ड कौन सा डिफाइन करेंगे, कलेक्शन।
कि भाई कलेक्शन क्यों लगाया हमने, वेल डिफाइंड कलेक्शन है ना, तो कलेक्शन वर्ड क्यों आया ये हम देखेंगे। हमने देख लिया था वेल डिफाइंड का, अब हम कलेक्शन देखेंगे, कलेक्शन क्यों आया है, ठीक है। कलेक्शन का इस डेफिनेशन से क्या लिंक है, आज हम सेट को अच्छे से देख लेंगे। सेट की डेफिनेशन ऐसी है क्यों, देखो, अ सेट इज मैथमेटाइजेशन ऑफ अ वर्ड कलेक्शन। सेट जो है, वर्ड सेट, वो मैथमेटाइजेशन है किस वर्ड का, कलेक्शन वर्ड का। कलेक्शन मतलब कुछ भी हो सकती है कलेक्शन। मैं आपसे कह रही हूं कि यंग पर्सन्स का इनको एक ग्रुप में बांधो, मतलब एक कलेक्ट करो कि कौन कौन से यंग है, ठीक है, उसका पूरा कलेक्शन करो, तो वो कलेक्शन होगी। लेकिन वो सेट नहीं होगा कि यंग पर्सन का पूरा, अगर आप, मैं पूछूं कि इंडिया में कौन कौन से यंग पर्सन है, तो आपके आपके अकॉर्डिंग यंग कोई की डेफिनेशन कुछ और होगी, और मेरे अकॉर्डिंग यंग की डेफिनेशन कुछ और होगी। आप कहोगे जो वर्किंग है वो यंग है, और मैं कहूंगी कि नहीं, जिनकी एज अबव 50 है वो यंग नहीं है। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग यंग की डेफिनेशन अलग है, मेरे अकॉर्डिंग अलग है डेफिनेशन। लेकिन वो जो डेफिनेशन कुछ भी हो, लेकिन जब मैं बोल रही हूँ कि यंग पर्सन की कलेक्शन करो, तो आप भी एक कलेक्शन करोगे, मैं भी एक कलेक्शन करूंगी, वो एक कलेक्शन होगी यंग पर्सन की। लेकिन अगर मैं सेट देखूं, सेट जो है मैथमेटाइजेशन है ऑफ द वर्ड कलेक्शन। क्यों? क्योंकि सेट जो है वेल डिफाइंड है, उसमें हमें पता होगा, वो आपके लिए भी सेम होगा और मेरे लिए भी सेम होगा। हम कलेक्शन ऑफ यंग पर्सन को सेट नहीं कह सकते, लेकिन कलेक्शन कह सकते हैं। सेट के लिए, सेट वो कलेक्शन होगी जिसमें जो रूल होगा वो ना मेरे लिए अलग होगा ना आपके लिए अलग होगा। वो सेट आपके लिए भी सेम होगा, मेरे लिए भी सेम होगा, और कोई और बच्चा आएगा उसके लिए भी सेम होगा, ठीक है। मैं कहूँ कि उन बच्चों को कलेक्शन करो जो 18 एज के हैं इंडिया में, तो आप कलेक्शन कर लोगे, वो सेट होगा, क्योंकि उसमें एक रूल है, वो सबके लिए सेम होगा। लेकिन जो चीज सबके लिए सेम नहीं होती, वह कलेक्शन तो हो सकती है लेकिन सेट नहीं हो सकता। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, सेट इज मैथमेटाइजेशन ऑफ द वर्ड कलेक्शन। जो सेट है वो मैथमेटाइजेशन है किस वर्ड का, कलेक्शन वर्ड का। अब हम नेक्स्ट वर्ड जो हमें देखना है वो उसकी तरफ चलेंगे, ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट वर्ड क्या था, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे हम आगे थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट में हम क्या क्या चीज ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दो सेट हैं, ऑर्डिनरी सेट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट। उससे पहले हम नल सेट के बारे में पढ़ेंगे कुछ। अब हम चेक करेंगे, क्या हम एम्प्टी सेट बोलते हैं, तो क्या वो सेट कैसे बनता है। एम्प्टी सेट हम बोलते हैं ना, ये सेट एम्प्टी है, तो उसे हम सेट कैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो, एम्प्टी सेट जो होगा वो एम्प्टी कलेक्शन से बना है। एम्प्टी कलेक्शन इज अ सेट, एम्प्टी कलेक्शन सेट हो सकता है, कैसे हो सकता है। देखो, अब मैं बोलूं कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से उन लोगों की कलेक्शन करो जो 100 साल से बड़े हैं, तो 100 साल से बड़े तो इस वीडियो को क्यों ही देखेंगे, ऑब्वियसली मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स ही देखेंगे, और 100 साल से बड़ी उम्र के तो कोई नहीं देखेगा अकॉर्डिंग टू मी। तो उसमें क्या होगा, एक रूल मैंने डिफाइन कर दिया कि 100 साल से बड़ी, जिनकी 100 साल से ज्यादा जिनकी भी एज है जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी करेक्शन करूं। तो ऐसा रेयर ही चांस होगा, रेयर क्या होगा ही नहीं, कि कोई 100 साल से बड़ा इस वीडियो को देख रहा होगा। इस वीडियो को वही देखेंगे जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे, और मैथमेटिक्स के भी वो वाले जो बीएससी फाइनल ईयर में होंगे या बीएससी कर रहे होंगे। तो क्या होगा, मैंने रूल तो सही डिफाइन किया है, रूल में तो कुछ गलती नहीं है, क्योंकि वो रूल आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है। ये नहीं कि आपके लिए अलग रूल है, मेरे लिए अलग है। तो हम सबकी कलेक्शन, अब रूल के अकॉर्डिंग तो उसमें कुछ भी नहीं आएगा। आप टेस्ट करोगे कि कौन आ रहा है उसमें, तो उसमें कोई भी नहीं आएगा, तो वो एक एम्प्टी कलेक्शन हो जाएगी। क्या वो सेट होगी, हाँ ऑब्वियसली होगी। क्यों? क्योंकि उसमें रूल है, एक पर्टिकुलरली रूल डाला है जो सबके लिए सेम है, तो इसीलिए हम उस कलेक्शन को सेट कहते हैं। एम्प्टी कलेक्शन इज अ सेट, अ कलेक्शन मे हैव नो ऑब्जेक्ट इन इट, हेंस इट इज वेल डिफाइंड। अगर कोई कलेक्शन है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी वो वेल डिफाइंड है, अगर वो वेल डिफाइंड है फिर भी,
तो हम क्यों, तो भी वो वेल डिफाइंड हो सकती है, क्यों? क्योंकि एज एवरी टेस्टिंग ऑब्जेक्ट इज एक्सक्लूडेड. क्यों? क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट हम उठा रहे हैं, हम कोई भी ऑब्जेक्ट उठाएंगे कि कौन इस वीडियो को देख रहा है. हमने देखा कि एक लड़की देख रही है प्रिया, हम चेक करेंगे उसकी एज कितनी है, 18 साल. हमने उठाई वो लड़की, हमने देखा, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग तो हम ये मैच ही नहीं हो रही. एवरी टेस्टिंग ऑब्जेक्ट, टेस्ट किया हमने ऑब्जेक्ट को कि मैच नहीं हो रही, तो वो बाहर निकल गई, इज एक्सक्लूडेड. एक्सक्लूडेड मतलब बाहर निकल गई. सो एम्प्टी कलेक्शन, तो हर जो ऑब्जेक्ट हम टेस्ट कर रहे हैं वो रूल के अकॉर्डिंग बाहर निकल रहा है. तो इसका मतलब ये नहीं कि एम्प्टी सेट हो ही नहीं सकता, एम्प्टी कलेक्शन हो नहीं सकती. अगर वो रूल ऐसा है जिससे हम टेस्ट कर रहे हैं और उस टेस्ट से सारे ऑब्जेक्ट बाहर निकल रहे हैं, लेकिन रूल तो सही है ना, तो उस कलेक्शन को हम सेट बोल देंगे. और हम बोलते गया है इस कलेक्शन को नल सेट या वॉइड सेट, नल सेट या वॉइड सेट. और डिनोट किससे करते हैं, या तो ये वाला सिंबल होता है या फिर इस फाई से हम डिनोट करते हैं. इसे एक्चुअल में फाई नहीं बोलते, बट फाई जैसा दिखता है तो फाई बोल देते हैं. ठीक है, तो हमें पता चल गया कि एम्प्टी कलेक्शन भी सेट हो सकती है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे. अब हम सेट बिल्डर या फिर कलेक्शन बिल्डर नोटेशन करेंगे कि मतलब सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं. देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो जो सेट होगा उसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे. जनरली सेट आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर. जो भी सेट होगा उसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है. अब दूसरी बात क्या है, जो भी सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे, द ऑब्जेक्ट इन दिस सेट कॉल्ड एलिमेंट, जिन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं. जो सेट के अंदर ऑब्जेक्ट आते हैं, मान लो मैंने एक सेट बोला कि भाई वन नेचुरल नंबर का एक सेट बनाओ, तो एन क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन से डिनोट करते हैं. तो एन क्या है, कैपिटल लेटर में लिखते हैं हम. लेकिन जो उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, जैसे वन है, वन को हम डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर से, एक्स से. ठीक है, तो मतलब जो भी ऑब्जेक्ट आते हैं किसी सेट में, द ऑब्जेक्ट इन दिस सेट कॉल्ड एलिमेंट, उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं. और डिनोटेड डिनोट किससे करते हैं हम, बाय स्मॉल लेटर. स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी एक्सेट्रा. दोबारा से, अगर मान लो आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखने की कोशिश करेंगे, हम अभी बनाएंगे नोटेशन क्या होती है, सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है, उसी में ही हम आगे सारा काम करेंगे सेट में. तो जनरली सेट आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर. जो सेट होते हैं वो कैपिटल लेटर से डिनोट होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, ये मैंने कैपिटल लेटर में लिखे हैं. लेकिन जो सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स आएंगे, जो रीना सीना टीना होगा, उसे हम ऑब्जेक्ट की, मान लो गर्ल्स की कलेक्शन है जो 17 से 18 की एज है, जो जिनकी 17 और 18 एज है, किसी एक पर्टिकुलर क्लास में या एक पर्टिकुलर स्कूल में हम ले लेते हैं, डीएवी स्कूल में 6th क्लास में या फिर 12th क्लास में, 6th तो बहुत छोटी हो जाएगी, तो वो उसमें रीना सीना टीना जो भी आएंगी उन्हें हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं. तो जो एलिमेंट्स होंगे, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा सेट में, उन्हें हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे. और जो जो सेट होगा उसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे. और हमारी रिप्रेजेंटेशन क्या रहती है, रिप्रेजेंटेशन रहती है एक्स, उसके बाद टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट के बाद ये जो सिंबल होते हैं ये होते हैं सच दैट के. यहाँ पे लिखा जाता है टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर ये सिंबल लगा देते हैं हम. यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, वरना ये यहीं पे लिखा जाता. रूल फॉर कलेक्शन, जो रूल होगा कलेक्शन का वो यहाँ पे लिखेंगे. यहाँ पे टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट की हमें किस टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद सच दैट का सिंबल, उसके बाद रूल फॉर कलेक्शन. दोबारा बता रही हूँ, ये यहीं पे ही आना था लेकिन जगह स्पेस ना होने के कारण मैंने नीचे लिख दिया. मतलब बता देती हूँ आपको मैं कैसे लिखते हैं. यहाँ पे एक्स जो सेट है कैपिटल लेटर से डिनोट किया, यहाँ पे हम लिखेंगे, ये सेट बिल्डर नोटेशन होती है, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके बाद सच दैट, ये सिंबल होते हैं सच दैट के, फिर रूल फॉर कलेक्शन. अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम. अब ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है. इस एग्जाम्पल में मैंने रूल लिख दिया, एक्स जो है एक्स स्मॉल एक्स है ये वाला, और ये वाला कैपिटल एक्स है. तो कैपिटल एक्स सेट को डिनोट करता है, स्मॉल एक्स.
स्मॉल एक्स जो है इज अनैचुरल नंबर. हम एक नेचुरल नंबर होगा, कैसा टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, नेचुरल नंबर होगा. और वो जो नेचुरल नंबर होगा वो कहाँ, ये सच दैट. और रूल हमने बाद में लिखा है, रूल फॉर कलेक्शन, कि एक्स जो है 1 से 5 के बीच में होगा. अब मैं एक ऑब्जेक्ट उठाती हूँ और उसे टेस्ट करती हूँ. मैं मानती हूँ, मैं ऑब्जेक्ट उठा लेती हूँ, दूसरे पेन से लिख देती हूँ, रूट टू उठा लिया मैंने, ठीक है. रूट टू जो है वो नेचुरल नंबर होगा, नहीं होगा, तो ये यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, आगे ये जाएगा ही नहीं. उसके बाद हम देखते हैं 5 एक नेचुरल नंबर होता है, होता है, ये यहाँ पे आ जाएगा. मतलब x इज नेचुरल नंबर तो ठीक है, 5 आ जाएगा. लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या रूल बनाया कि 5 से छोटे होने चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए. ये सिंबल जो है वो बता रहा है कि 5 से छोटे होने चाहिए, तो यहाँ पे कैंसिल. उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, हम ले लेते हैं 4. देखो ये नेचुरल नंबर है, हाँ है, लेकिन ये 4 जो है इसमें आएगा, हाँ आएगा, क्योंकि 1 और 5 के बीच में ही तो होता है 4, तो इसमें 4 आ जाएगा. तो इस टाइप से मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि किस टाइप से हम लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, किस टाइप से वैलिड होती है. उसके बाद अब देखो, हमने यहां तक कर लिया, अब हम इससे आगे थोड़ा हायर लेवल का पढ़ेंगे. मतलब हम ये देखेंगे कि ये सेट थ्योरी किस के ऊपर बिल्ट हुई. देखो, सेट थ्योरी जब बिल्ट हुई वो किसी एक्सियम के ऊपर हुई. जब भी कोई थ्योरी बिल्ड होती है तो उनमें कुछ कुछ एक्सियम होती है. एक्सियम का मतलब जो मान ली जाती है, मतलब ये ऑब्वियस है, ऑब्वियसली ट्रू मान ली जाती है, लॉजिकल है. मतलब उनके कोई प्रूफ नहीं होते, एक्सियम के प्रूफ नहीं होते कोई भी, उन्हें सिर्फ हम मान लेते हैं कि ट्रू है लॉजिक के बेस पे, ठीक है. अब 2 + 2 = 4 होगा, या फिर 1 + 0 = 1 होगा, तो ये मान लिया गया ना 1 होगा, हा? तो मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट, फिर आगे सारी एडिशन ऐसी बनती गई. तो कुछ चीजें माननी होती है, ट्रू मान लेते हैं हम, जिन्हें एक्सियम कहते हैं. मतलब उन्हें लॉजिक कहते हैं कि वो लॉजिकली ट्रू है, उन्हें फिर हम एक्सियम बोल देते हैं. तो उसी तरह से एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी, एक्सियम ऑफ च्वाइस, इन सब पे बेस है सेट थ्योरी. तो सेट थ्योरी के कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि हमें पढ़ने हैं, ताकि आईआईटी जैम के लिए जरूरी है, ठीक है. तो सबसे पहले जो है मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, सबसे पहले तो कोई भी सेट अपने आप में ऑब्जेक्ट होगा, होगा ऑब्वियसली बात है कि कोई भी सेट जो हम लेंगे वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट भी तो होगा. और फिर तो वो कलेक्शन के लिए हम टेस्ट भी कर सकते हैं उसे. मान लो अब हम पावर सेट बनाते हैं, वो कलेक्शन ऑफ सेट होती है, सबसेट्स होती है ना. तो पावर सेट जो हम बनाते हैं उनके पावर सेट के अंदर सेट आते हैं. मतलब हम सेट को भी एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं. तो अगर हम सेट को भी एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं तो मतलब सेट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा. पावर सेट में जो हम लेते हैं सेट का ही कलेक्शन लेते हैं, तो मतलब सेट भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होगा जिसे हम टेस्ट करेंगे. और फिर तो हम टेस्ट भी कर सकते हैं, वो कलेक्शन के लिए हम चेक भी कर सकते हैं कि ये सेट आएगा या नहीं आएगा, ठीक है. अब एक सेट दे रही हूं मैं आपको एक्स. ये सेट कैसा है कि इसमें कलेक्शन है, एक्स इज एनी ऑब्जेक्ट. मतलब जो ये एक्स है वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है. उसमें सच दैट हमने ये रूल किया है, एक्स इज नॉट एन आईफोन. लेकिन आईफोन नहीं हो सकता. मतलब क्या है, एक्स कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है लेकिन वो आईफोन नहीं होना चाहिए. कोई भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर डाल लो लेकिन वो आईफोन नहीं होना चाहिए. मतलब ये पेन डाल लो, ये पेपर डाल लो, स्केच डाल लो, और जिस मोबाइल से मैं आपकी ये वीडियो शूट कर रही हूँ, या फिर जिस भी चीज से वीडियो शूट कर रही हूँ कैमरा से, वो कैमरा डाल लो, ठीक है. या फिर ट्यूबलाइट डाल लो, ये पूरी की पूरी अर्थ डाल लो, सारे ऑब्जेक्ट सब इसके अंदर आ जाएंगे. तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक्स आईफोन नहीं होना चाहिए. हम बोल रहे हैं कि एक्स जो है मतलब सेट अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होता है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम चेक कर सकते हैं. हर सेट अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होता है, तो इसका मतलब हम सेट को भी चेक कर सकते हैं कि वो इसके अंदर आएगा या नहीं, ठीक है. कोई भी सेट, नेचुरल नंबर का सेट डाल लो इसमें, इंटीजर्स का सेट डाल लो इसमें,
क्योंकि वो आईफोन नहीं है। अगर सेट ऑब्जेक्ट है तो हम चेक करेंगे उसको कि इसमें आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या ये एक्स, खुद ये एक्स इसके अंदर आएगा, इस सेट के अंदर आएगा? अगर ये पूरा का पूरा कलेक्शन है, इसके अंदर आईफोन नहीं आएंगे, एक्स के अंदर एक भी आईफोन नहीं आएगा, और इसमें यही लिखा हुआ एक्स इज नॉट आईफोन कि आईफोन नहीं होना चाहिए, तो एक्स के अंदर एक भी आईफोन नहीं आएगा, तो क्या ये एक्स अगर अपने आप में ऑब्जेक्ट है तो क्या वो इस सेट में बिलोंग करेगा? मेरे कहने का मतलब है कि क्या ये एक्स, यहां से एक्स से मतलब सेट से, ये कैपिटल एक्स है, बिलोंग करेगा इस कैपिटल एक्स में? ये क्वेश्चन है मेरा, क्या ये बिलोंग करेगा? सबसे पहले तो ये सेट है या नहीं है, है? क्वेश्चन सबसे पहला यही उठता है ना, ये सेट है या नहीं है? है, क्यों? क्योंकि एक्स इज एनी ऑब्जेक्ट, उसके बाद रूल भी हमें दिया हुआ है और रूल सबके लिए सेम है। आईफोन नहीं है मतलब कुछ भी डाल लो आईफोन को छोड़ के, तो रूल सबके लिए बराबर है, मेरे लिए भी बराबर है, आपके लिए भी बराबर है, जो आईफोन नहीं है इसके अंदर डाल दो, तो इसका मतलब इसमें रूल है वेल डिफाइंड, तो इसका मतलब ये सेट तो होगा, यस सेट होगा। अब क्वेश्चन ये है क्या एक्स एक्स में कंटेन होगा, क्योंकि एक्स भी तो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कोई आईफोन नहीं है, और अगर हम एक सेट को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं तो वो भी तो आएगा, और अगर हम इस सेट को पूरा का पूरा यूनिवर्स मान रहे हैं कि किसी एक सेट में पूरा का पूरा यूनिवर्स आ सकता है, तो इसका मतलब ये भी तो यूनिवर्स में है, ये भी तो आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, इज एक्स बी अ मेंबर ऑफ दिस सेट, क्या एक्स मेंबर होगा अपने ही सेट का? तो आंसर है यस होगा, अगर हम यूनिवर्स को ट्रीट कर रहे हैं एज अ एक्स, मतलब जो हम ये सेट ले रहे हैं, ये एक्स ले रहे हैं, ये स्पेस ले रहे हैं, वो पूरा का पूरा यूनिवर्स ले रहे हैं, हम चेक करेंगे हम ले क्या रहे हैं इस एक्स को, हम ये रूम ले रहे हैं या घर ले रहे हैं या पूरा का पूरा यूनिवर्स ले रहे हैं, अगर पूरा का पूरा यूनिवर्स सेट में आ सकता है तो इसका मतलब एक्स भी आ सकता है, यस एक्स ऑब्जेक्ट की तरह हम ट्रीट करते हैं सेट को, तो ये भी आएगा। एक्स इज नॉट एन आईफोन, क्योंकि एक्स आईफोन नहीं है, तो एक्स मेंबर हो जाएगा एक्स का, मतलब एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अब ये तो हमारा एक छोटा सा पहेली हुई, ठीक है। फिर कुछ बंदे आए जिन्होंने ये कहा, इसका मतलब एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी आई, मैंने क्या कहा कि सारी जो सेट थ्योरी है वो एक्सियम्स पे टिकी हुई है, मतलब एक्सियम जो है वो बहुत ज्यादा रिलेटेड है, एक्सियम को लॉजिकली ट्रू मान लिया जाता है, एक्सियम का कोई प्रूफ नहीं होता, जिसके बेस पे हम आगे की थ्योरम्स प्रूफ करते हैं, तो एक्सियम का अपना एक कोई प्रूफ नहीं होता, वो सिर्फ मान ली जाती है लॉजिक्स के बेस पे। ठीक है, फिर आई हमारी एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी, जिसने ये कहा कि भाई नहीं ये गलत है कि नो सेट कैन कंटेन इन इटसेल्फ, मतलब कोई भी सेट अपने आप में नहीं आ सकता, आपका आपकी ये बात गलत है कि एक सेट अपने आप में ही कंटेन होगा, अपने आप में कंटेन कैसे हो सकता है? अब मान लो एक पर्स है, पर्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे, पेंस आपके पैसे होंगे, लाइसेंस होगा, आधार कार्ड भी रखते हैं कुछ लोग अपने पर्स में, तो बहुत सारी चीजें होंगी, वो क्या होगा एज अ ऑब्जेक्ट, उस पर्स का ऑब्जेक्ट होंगी। लेकिन आप कहने लगे जो पर्स पर्स ही ऑब्जेक्ट है, मतलब पर्स के ऑब्जेक्ट देख रहे हो, पर्स के अंदर के ऑब्जेक्ट देख रहे हो, आपकी पर्स में क्या क्या ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप कह रहे हो कि पर्स भी तो एक ऑब्जेक्ट है, और पर्स को पर्स के अंदर कैसे डाला जा सकता है, मतलब उसी पर्स को उसी पर्स के अंदर कैसे डाला जा सकता है, ये गलत है, पर्स को पर्स के अंदर नहीं डाला जा सकता, उसको आप पर्स को अपनी जेब में डालोगे, ठीक है, तो हम ये गलत है, कुछ लोगों का ये मानना था, उसके बाद एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी निकाली कुछ लोगों ने, मतलब मैथमेटिशियन ने, लोगों ने नहीं, मैथमेटिशियन ने, कि भाई नो सेट, कोई भी सेट कंटेन नहीं होगा अपने आप में, सबसे पहली बात कि कोई भी सेट ऑब्जेक्ट तो हो सकता है, लेकिन अगर उसी सब जिस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो खुद ही सेट है अपने आप में, और उसी सेट को हम उसी के अंदर चेक कर रहे हैं, तो वो हम चेक नहीं कर सकते। ये कहती है नो सेट कैन कंटेन इटसेल्फ, अपने आप में, जैसे मान लो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स है, हार्ट है, लंग्स है, वो हमारी बॉडी के अंदर है,
वो क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारी बॉडी के, ठीक है। लेकिन मैं ये कहने लग जू मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूं अपनी बॉडी का, हम मेरी बॉडी के अंदर वो ऑब्जेक्ट है, मेरी बॉडी के अंदर एक और बॉडी तो नहीं है ना, मेरी बॉडी तो एक ही है, मेरी बॉडी के अंदर ऑब्जेक्ट है वो, मेरी बॉडी अब अपने ही अंदर थोड़ा ना कंटेन कर सकती है, वो किसी मेट्रो में जाके बैठ सकती है या किसी बेड पे जाके बैठ सकती है, उसका ऑब्जेक्ट हो सकती है, लेकिन मेरी बॉडी बॉडी खुद का ही ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती। हम पूरे यूनिवर्स को लेके नहीं चलेंगे सर, हम सिर्फ वही चीज कंसिडर करेंगे जिसके बारे में हम देख रहे हैं। अगर बॉडी के बारे में बात करें तो बॉडी को ही कंसिडर करेंगे, पूरे यूनिवर्स को नहीं कंसिडर कर लेते कि पूरा यूनिवर्स ही सेट है, ये गलत होगा, ठीक है। तो एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी ये कहती थी कि नो सेट कंटेन इटसेल्फ, नो सेट कोई भी सेट को हम अपने अपने ही सेट में कंटेन करा हुआ नहीं दिखा सकते। मतलब जो हमने ये की थी, ये हमने ये किया था कि एक्स बिलोंग्स एक्स, तो ये चीज गलत है, एक्स डजंट बिलोंग एक्स। हम ऐसा कोई रूल डिफाइन नहीं कर सकते जिससे ये एक्स एक्स में ही आ जाए, ये फिर रूल ही गलत है। उनके अकॉर्डिंग ये था एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी के अकॉर्डिंग, मतलब एक्स एक्स में कंटेन नहीं होगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगी इसकी। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि ये फालतू की चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं, देखो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने आपको क्या पढ़ाया था, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब कि कोई भी एम्बिक्यूटी नहीं होनी चाहिए, मतलब इंक्लूजन या एक्सक्लूजन में जब हमने पढ़ा था सेट थ्योरी में स्टार्टिंग में, यहाँ पे देखो कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, कि कोई भी कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन, एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूजन अबाउट इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा और कौन सा नहीं आएगा इस बारे में। तो हम ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिशियन ने दिमाग लगाया कि हाँ भाई ये, तो हम कंक्लूजन पे ये पहुंचेंगे कि कौन सा सेट बनाने चाहिए कौन से सेट नहीं बनाने चाहिए, ताकि हमारी जो वेल डिफाइंड की डेफिनेशन है कि ताकि हमें क्लियर रहे कि क्या चीज उस सेट में इंक्लूड होगी और क्या चीज उस सेट में इंक्लूड नहीं होगी। तो ये जो है, अब देखो हमारा ये एग्जाम्पल था, क्या था हमारा एग्जाम्पल, ये वाला X is any object, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, X is not an iPhone. इसमें हम any object बोल रहे थे, तो इसका मतलब पूरे के पूरे यूनिवर्स को कंसीडर कर रहे थे। तो axiom of regularity इसके अकॉर्डिंग X X में आ रहा था, क्योंकि सेट भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होता है। तो axiom of regularity कहती है X X में नहीं आ सकता, इसका मतलब क्या कि तुम ऐसा कोई सेट बनाओ ही ना जिसमें पूरा का पूरा यूनिवर्स कंसीडर हो। ऐसा कोई सेट नहीं होता जिसमें पूरा का पूरा यूनिवर्स आए कि हम सीधा लिख दे कि एक्स इज एनी ऑब्जेक्ट, इसमें यूनिवर्स पता चल रहा है ना हमें, यूनिवर्स आ रहा है, एनी का मतलब कोई भी। तो ऐसा कोई सेट बनाओ ही ना जिसमें यूनिवर्स आए, ऐसा सेट ही नहीं होता। एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी के अकॉर्डिंग कोई सेट ऐसा नहीं होता जिसमें पूरा का पूरा यूनिवर्स हो, और हमें ऐसा सेट बनाना भी चाहिए, वो सेट नहीं होता, इसका उनका मतलब ये था, ठीक है। तो मतलब उनके अकॉर्डिंग ये सेट नहीं है, ठीक है। देयर इज नो सेट विच कंटेन एवरीथिंग, ऐसा कोई सेट नहीं होता जिसमें हम ये चेक कर रहे हैं ताकि वेल डिफाइंड हमें क्लियर हो जाए कि क्या चीज सेट में आएगी क्या चीज नहीं आएगी। तो सेट ऐसा कोई नहीं होता जो खुद में खुद कंटेन हो, इसका मतलब कोई ऐसा सेट नहीं बनाएगा, कोई भी ऐसी चीज को, कलेक्शन को हम सेट नहीं कहेंगे जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो रहा हो। कोई भी ऐसी कलेक्शन हो, मतलब जो एग्जाम्पल हमने लिया था वो सेट नहीं होगा, वो एक कलेक्शन होगी अकॉर्डिंग टू एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी। अभी हम एक्सियम के अकॉर्डिंग बात करें, एक्सियम क्या कह रही है ये, मैं अपने व्यूज नहीं बता रही, एक्सियम के व्यूज बता रही हूं। तो एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी कहती है कि ऐसा कोई सेट नहीं होगा जिसमें हर चीज इंक्लूड होगी, ठीक है। देयर इज नो यूनिवर्स, कोई भी यूनिवर्स नहीं होगा कि भाई यूनिवर्स है तो इस सेट को भी इंक्लूड कर लो, इसमें ऐसा सेट बना लो जिसमें पूरा का पूरा यूनिवर्स इंक्लूड होता हो, तो वो सेट नहीं माना जाएगा मैथमेटिक्स में, वो सिर्फ एक कलेक्शन कही जा सकती है। जैसे कि हमने पिछले आईफोन वाले एग्जांपल में देखा था, प्रीवियस एग्जांपल में देखा था आईफोन वाले में, वो किस पे बेस्ड था कि भाई सेट में, सेट कंटेन एवरीथिंग, कि सेट में सब कुछ है, सेट हर चीज को कंटेन करता है, एवरीथिंग कंटेन करते हैं, क्योंकि उसमें क्या आ गया था, सेट कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक्स इज एनी ऑब्जेक्ट, एनी लग गया था तो एनी तो एक्स भी ऑब्जेक्ट है, सेट एक अपने आप में ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है ना, तभी तो हम पावर सेट बना पाते हैं।
तो सेट अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होता है, उसे कंसिडर, तो इसका मतलब उसे हम सेट कहेंगे ही नहीं, उसे हम कलेक्शन कहेंगे, जो एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी के अकॉर्डिंग जो अभी हमने सेट बनाया था। और मैंने आपसे पूछा था क्या ये सेट है, आपने बताइए, बहुतों के दिमाग में आओगा यस ये सेट है, तो अकॉर्डिंग टू दिस वो सेट होगा ही नहीं, एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी के अकॉर्डिंग ये सेट ही नहीं होगा, ये सिर्फ एक कलेक्शन होगी, क्यों, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा यूनिवर्स आ रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ मैथमेटिशियन आए, उन्होंने कहा नहीं ये तुम गलत कर रहे हो, ये बहुत गलत है, तुम अपनी तरफ से कुछ भी करे जा रहे हो, ये एक्सियम बना दिया एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी, भाई क्यों नहीं होता, होता है इंक्लूड, वो ये बोलने लगे कि होता है इंक्लूड, क्यों नहीं हो सकता इंक्लूड, हो सकता है, मतलब इनका लॉजिक था कि पर्स पर्स में कंटेन कैसे हो सकता है, बॉडी बॉडी में कंटेन कैसे हो सकती है, लेकिन उनका था मानना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हो सकता है, तो मतलब दो कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज आ रहे थे हमारे कि एक्स एक्स में कंटेन हो सकता है, कुछ लोग बोल रहे थे, और कुछ बोल मतलब ऐसा सेट बन सकता है जिसमें एक्स एक्स में कंटेन हो, और कुछ लोग बोल रहे थे कि ऐसा सेट ही नहीं होगा, वो कलेक्शन सेट ही नहीं बोली जाएगी जिसमें एक्स एक्स में कंटेन हो। तो ये दो व्यूज के कारण हमने जो सेट है उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कौन कौन से पार्ट थे, ऑर्डिनरी सेट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, या इसी में कवर करवा दूं, लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। इस वीडियो में हम एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी तक ही पढ़ते हैं, अगले वीडियो लेक्चर में, जैसे हम बोलते हैं ना कल देखिए, तो कल देखिए क्या देखिए, ऑर्डिनरी सेट पढ़ेंगे कल हम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट पढ़ेंगे, उसके बाद में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी सेट किस पे बेस पे है आप खुद भी पढ़ के आ सकते हो, वो इसके बेस पे है कि एस 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 में इंक्लूड होता है या नहीं होता, बस यही दो, जब बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन हो रही थी तो सेट को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया कि ठीक है हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, और आज भी इस पे कॉन्ट्राडिक्शन चल रही है, तो दो पार्ट में कैसे, एक ऑर्डिनरी सेट कर लिया, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे रसल्स पैराडॉक्स, रसल पैराडॉक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सबसेट पावर सेट आने वाली वीडियोस में, तो इसीलिए आप बने रहिए, और अगर हैंडराइटिंग ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ताकि मैं हैंडराइटिंग अपनी सुधार सकूं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसको रोज कंटिन्यूटी में देखना, जिस दिन मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी मैं डाल दूंगी कि मैं नहीं बना रही हूं, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली रोज बनेगी 5 days a week, ठीक है, सैटरडे संडे को नहीं बना पाऊंगी मैं, 5 days a week बनेगी, और आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद असाइनमेंट दी जाएगी, असाइनमेंट करना वो प्रॉपरली, और असाइनमेंट के बाद उस असाइनमेंट की डिस्कशन भी होगी आंसर्स की आंसर सही क्या है गलत क्या है सारी डिस्कशन की जाएगी, और हम IIT जैम मैथमेटिक्स के लिए पूरी तरह से अच्छे से तैयारी करेंगे, आई प्रोमिस टू यू, मेरे साथ बने रहिए, हम IIT जैम को क्रैक करेंगे 2022 के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।